हरदोई के स्वास्थ्य महकमे में घूसखोरी अब आम बात हो गई है और लगातार घूस लेने के इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, वह इस संबंध में असंवेदनशील बयान देते हुए कहते हैं कि जब तक कोई लिखित शिकायत होगी तो ऐसे मामले में कार्यवाही की जाएगी। अब लोगों का यह मानना है कि ऐसे मामलों में कार्यवाही ना होने के पीछे कहीं मिली भगत तो नहीं है। प्रदेश सरकार लाख कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म करके रहेंगे, लेकिन जनपद के जिला महिला चिकित्सालय का एक वीडियो इन दिनों हरदोई में सोशल मीडिया पर एक स्टाफ नर्स के घूस लेते का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में जिला महिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स के द्वारा खुलेआम बच्चे को SNCU में भर्ती के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। यह वीडियो SNCU वार्ड की स्टाफ नर्स का है। CMS महिला अस्पताल डॉक्टर रविंदर सिंह का कहना है कि यह वीडियो वार्ड की स्टाफ नर्स का है, लेकिन जब कोई शिकायत आएगी तो इस प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी। इससे 15 दिन पहले भी इस प्रकार का एक वीडियो सामने आया था, उस समय भी CMO ने प्रकरण में जांच और कार्यवाही की बात कही थी, लेकिन अभी तक ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ये वीडियो का संज्ञान हमें कल मिला है और इसमें कर्मचारी द्वारा पैसा लिया जा रहा है और वीडियो और इसकी लिखित शिकायत हमारे पास आएगी तो इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है हाँ, ये हमारी SNCU में कार्यरत जो है स्टाफ नर्स सुनीता देवी जी का है जो है, और हमारे पास इसकी जब वीडियो हमारे पास आएगा और कौन पैसा दे रहा है वो सब हमारे पास आए, शिकायत करें लिखित, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हमने इस हमारे कल संज्ञान, जैसा भी बताया, हमारे कल संज्ञान में आया है। इसके लिए हमने एक जो है कल ही जो है SNCU के समस्त स्टाफ को एक हमने वार्निंग इशू कर दी है कि जो है आगे जो है अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो ये गलत है और इसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो हमें सख्त कार्रवाई कर दूंगा। सर, भ्रष्टाचार को लेकर अमूमन जिला महिला चिकित्सालय की शिकायत आती रहती हैं और ये वीडियो भी है, उसके बाद सर एक वार्निंग दी गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो वहाँ पर लिखित शिकायत आती है उसका निस्तारण होता है, उसे कमेटी बनाते हैं, इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट देती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।